या फिर आज बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना घटी और आप देखिए कि बांग्लादेश के शेख हसीना राष्ट्रपति महोदय को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन शरण किसने दी? भारत ने दी। ये भारत ने संदेश दिया पूरी दुनिया में, या माने कि पूरी दुनिया में ये संदेश है कि भारत से एक उम्मीद रखी जा सकती है कि जब भी संकट आएगा किसी देश पे तो एक भारत ही है। बिल्कुल, अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं, और वहाँ पर आज जो वहाँ पर गृह युद्ध छुड़ गया है और वहाँ जिस प्रकार का माहौल है कि वहाँ के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोग वहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे? आम आदमी बांग्लादेश में या अन्य देशों में जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है, वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं कि या भारतीय लोग कहीं रह रहे हैं या सनातनी लोग रह रहे हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा है कि कहीं भी किसी देश पे कोई आफत आती है, कोई समस्या आती है, तो भारत अपना खुद आगे बाहें फैलाकर उनकी मदद करता है, भले वो कोविड वैक्सीन के समय की बात हो या फिर आज बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना घटी और आप देखिए कि बांग्लादेश के शेख हसीना राष्ट्रपति महोदय को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन शरण किसने दी? भारत ने दी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा संदेश है, जियो और जीने दो। यानी कि जो आप लोग जिस प्रकार का माहौल, ये आतंकवादी स्वभाव के लोग, जिहाद स्वभाव के लोग ये जो माहौल बना रहे पूरी दुनिया में, ये ठीक नहीं है। आप देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अराजकता के माध्यम से नहीं जा सकता। आज लगातार कितने वर्षों से शेख हसीना जी वहाँ पर काम कर रही थी अपना, लेकिन आज अचानक इस प्रकार का माहौल बना दिया गया, तो हमारे लोग भी वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो हमारे लोगों को भी सुरक्षित रूप से यहाँ लाकर भारत में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कदम पहले से उठा चुके हैं, ये स्वागत योग्य है, और उनको आज यहाँ लाकर और उनको सुरक्षित रखना, ये भारत ने संदेश दिया पूरी दुनिया में, या माने कि पूरी दुनिया में ये संदेश है कि भारत से एक उम्मीद रखी जा सकती है कि जब भी संकट आएगा किसी देश पे तो एक भारत ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सबकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं, और वहाँ पर आज जो वहाँ पर गृह युद्ध छुड़ गया है और वहाँ जिस प्रकार का माहौल है कि वहाँ के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे लोग वहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे आम आदमी? तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए, और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कहीं सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वह अपनी मातृभूमि पर तो आना ही चाहेंगे।